अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए देखते हैं कि पोल्ट्री बब एप्लीकेशन के नए फीचर। मुर्गी मंडी में आप अपनी सफ़ेद मुर्गी कैसे बेच सकते हैं और कैसे ख़रीद सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद टॉप पे आपको मुर्गी मंडी का आइकन नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो स्लाइडर्स ऊपर चल रहे हैं इनमें भी आपको एक मुर्गी मंडी का बैनर नज़र आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप मुर्गी मंडी में दाखिल हो जाएंगे। मुर्गी मंडी में दाखिल होने के बाद जो पोस्ट मुर्गी मंडी में लगी होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ये देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। जो पोस्ट आप लगाएंगे आपकी पोस्ट भी इसी तरह यहाँ पे शो होगी। तो आइए देखते हैं कि पोस्ट आपने कैसे लगानी है। टॉप पे आपको पोस्ट लगाने का बटन शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना शहर मुंतखब करना है, किस शहर में आपके पास मुर्गी है जो आप सेल करना चाह रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी में से आपने लेयर मुर्गी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ख़रीदें बेचें में से आपने बेचें सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप बेचना चाह रहे हैं। इसके बाद औसतन वज़न आपने यहाँ पर लिख देना है कि एक मुर्गी का कितना वज़न है। इसके बाद टोटल तादाद, कितनी मुर्गियाँ आपके पास जो आप सेल करना चाह रहे हैं। इसके बाद उम्र लिख देनी है, कितने हफ्ते की मुर्गी है। इसके बाद नस्ल में से आपने नस्ल, जिस नस्ल की आपकी मुर्गी है जो आप सेल करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कीमत, कीमत फ़ी किलो भी आप डिमांड कर सकते हैं, फ़ी जानवर भी कर सकते हैं। इसके बाद कीमत वाले बॉक्स में आपने कीमत लिख देनी है, किस रेट पर आप सेल करना चाह रहे हैं। इसके बाद प्रोडक्शन आपने बता देनी है या नहीं है। अगर तो है फिर आपने बताना है कि कितने परसेंट प्रोडक्शन पे है मुर्गी आपकी। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने पोस्ट करेंगे बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी पोस्ट हो जाएगी। ये देखिए, टॉप पे आपको आपकी पोस्ट शो हो जाएगी। अब पोस्ट देखने वाले हजरात आपकी पोस्ट पे आपको ऑफ़र लगाएंगे। इस तरह आप अपनी लेयर मुर्गी बेच सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं कि आप ख़रीद कैसे सकते हैं। ख़रीदने के लिए भी वही सेम प्रोसेस, आपने पोस्ट लगाने के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना शहर मुंतखब करना है, जिस शहर से आप मुर्गी ख़रीदना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी में से आपने लेयर मुर्गी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ख़रीदें बेचें में से आपने इस दफ़ा ख़रीदें सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ख़रीदना चाह रहे हैं। इसी तरह आपने औसतन वज़न लिख देना है, कितने किलोग्राम की आपको मुर्गी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे औसतन वज़न लिख देंगे। इसके बाद टोटल तादाद, कितनी मुर्गियाँ आप ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके बाद उम्र लिख देंगे, कितने हफ्ते की मुर्गी आप ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके बाद नस्ल, जिस नस्ल की आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कीमत, आप फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदना चाह रहे हैं या फ़ी जानवर के हिसाब से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कीमत वाले बॉक्स में आप कीमत लिख देंगे, किस रेट पर आप ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके बाद प्रोडक्शन वाली ख़रीदना चाह रहे हैं आप या प्रोडक्शन के बिना, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन वाली लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फ़ीसद के बॉक्स में से परसेंटेज सेलेक्ट कर देंगे कि कितने परसेंट प्रोडक्शन वाली मुर्गी आपको चाहिए। इस सब के बाद आप पोस्ट करेंगे बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपकी पोस्ट हो जाएगी। अब जिन हजरात के पास फैसलाबाद में मुर्गी मौजूद होगी वो आपकी पोस्ट पे आपको ऑफर लगाएंगे। इस तरह आप पोल्ट्री बाबा एप्लीकेशन के नए फीचर मुर्गी मंडी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी लेयर मुर्गी बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं।